एक क्राइम ड्रामा है, इसमें बहुत सारा मनोरंजन है, इसमें मैं हूँ, इसमें जिम भी है और भी लोग हैं जिनको आप पसंद करते हैं, तो आपको डेफिनेटली ये अच्छी लगेगी। ये पावर और ग्रीड के बारे में है, ये गोवा में बेस्ड है और इसमें कई सारे गैंगस्टर्स हैं, कई सारे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स भी हैं। इसमें लोग हैं जो गद्दी पे बैठना चाहते हैं, इसमें वो लोग भी हैं जो गद्दी पे हैं और बाकी सबको गद्दी अपनी गद्दी बचाने की कोशिश भी है। तो एक बड़ा सा इंटरेस्टिंग सा माहौल है जो गोवा की एनवायरनमेंट, जो एक शांत एनवायरनमेंट है, उसमें बसी है इन लोगों की दुनिया। मैं सिर्फ एक ड्राइवर हूँ फिल्म में, वेब सीरीज में, मैं उसके अलावा और कुछ नहीं करते हैं और मैं कहानी के बारे में बात ही नहीं करते हैं उसके रिलीज के पहले। तो आप देख लीजिए, अगर आपको पसंद आए तो फिर हम और बात कर सकते हैं। कहानी मालूम भी नहीं है, सिर्फ ड्राइविंग करते थे। मैं बस ड्राइविंग करते थे, गाड़ी चलाते थे। मुझे कहानी अच्छी लगी, जो लोग इस कहानी से जुड़े हुए थे, जो कहानीकार थे, जो निर्देशक थे, जो प्रोड्यूसर्स थे, उनकी सोच सही लगी मुझे। और मुझे लगा ये एक कंपल्शन होता है अंदर से कि ये आपको करना चाहिए, तो वो वाली कंपल्शन भी आई। और जो किरदार मुझे ऑफर किया था कि एक बिहारी का, एक बिहारी गैंगस्टर है जो बिहार से आता है और गोवा में बस जाता है, उसको गोवा अच्छी लगती है और सोचता है कि चलो आगे की ज़िंदगी यहीं काटेंगे और देखेंगे कहाँ तक जा सकते हैं, तो वो किरदार भी मेरे लिए इंटरेस्टिंग था और एक नई दिशा में एज अ कलाकार, एज अ मेरी करियर भी एक नई दिशा में जा रही थी, तो उसके लिए सही था। डिफ़िकल्ट तो नहीं था, देखिए तैयारी पर डिपेंड करता है। इसके लिए डिफिकल्ट क्या होते हैं आपको? हाँ, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, आप सही तैयारी से जाएंगे, सही प्रिपरेशन से जाएंगे, कुछ भी मुश्किल नहीं है। तैयारी करने का मौका मिला था, जो कभी कभी 2 हफ्ते लगते हैं, कभी 3 हफ्ते लगते हैं, कभी कुछ ज़्यादा वक्त लगता है। प्रोजेक्ट के ऊपर जो किरदार आप कर रहे हैं और जितनी तैयारी की ज़रूरत है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और मैं एक्चुअली छुट्टी पे था, 3 हफ्ते की छुट्टी पे था, जहाँ पे मैंने थोड़ी बहुत तैयारी की, और यहाँ पे आके 2 हफ्ते की, एक्चुअली 1 ही हफ्ता मिला था। ज़्यादातर किरदार की तैयारी मेरे लिए आसान था, लेकिन जो एक बिहारी डायलेक्ट है, जो बिहारी भाषा है, उनकी बोलने की जो शैली होती है, उसको पकड़ना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि मैं तो हूँ साउथ इंडियन आदमी। तो उसके लिए एक रिकॉर्डिंग थी मेरे सह कलाकार जो अमित सियाल है, तो प्रोड्यूसर्स ने और उसने मेरी मदद की, तो एक रिकॉर्डिंग दिया था। मेरा एक मोनोलॉग है इसमें, तो उसको अपनी ज़ुबानी उसने बोल के उसका रिकॉर्डिंग दिया था, तो वो मैंने सुना। ज़्यादातर सुनना ही है, सुन के आपको पहचानना है कि ये भाषा की रिदम क्या है। एक बार आपने रिदम पकड़ लिया तो फिर आसान हो जाती है।